फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिस टॉपिक के बारे में बहुत स्टूडेंट मुझे हमेशा पूछते थे और वो है लॉगरिथम। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लोगों को लॉगरिथम यूज करना पड़ता है और उसके कुछ बेसिक्स आप लोगों को पता नहीं है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग लॉगरिथम यूज करते हैं और इसका यूजेस क्या है, क्यों यूज करते हैं। आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री में मिला होगा, लेकिन ऐसे भी इसके रियल लाइफ भी कुछ बेनिफिट्स है और वो बेनिफिट्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो लॉगरिथम का बेसिक बेनिफिट है कि ये आप लोगों का कैलकुलेशन बहुत इजी कर देगा। जैसे मान लीजिए, अगर मैं जानना चाहूं कि 3 to the power 200 मुझे कितना मिलना चाहिए, तो अगर आप कैलकुलेटर भी यूज करते हैं या कंप्यूटर में भी कैलकुलेट करते हैं, सो दैट विल बी अ वेरी लार्ज नंबर एंड समटाइम्स दे विल नॉट गिव यू द रिजल्ट, एरर बोल के आपको दिखाएगा। बट यू नो, इफ यू यूज लॉगरिथम यू कैन गेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। मतलब उसका कुछ चीजें हैं, कुछ टेक्निकल बातें हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा बाद में, तो आप लोग निकाल सकते हैं। सो लॉगरिथम इज बेसिकली वी यूज फॉर सिंप्लीफाई अवर कैलकुलेशन, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड, in calculus and specially when we talk about your physics and chemistry, तो वहां logarithm का बहुत importance होता है। तो इसी वजह से मैं ये topic यहां cover करने वाला हूं। तो first मैं आपको दिखाऊंगा कि logarithm है क्या। तो logarithm होता है आपका exponential का opposite। जैसे ये हो गया इसका definition, अगर a का power b equal to m हुआ, इट्स सेम एज अगर मैं इस तरह ब्लॉक लगा दूं जिसका बेस ए हो, तो ये बी यहां नीचे आ जाएगा। मतलब दोनों तरफ अगर मैं लॉग लगा दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा लॉग इस तरफ है ए टू द पावर बी, हम लोग बेस ए लेंगे, और इस तरफ होगा लॉग बेस ए एम। अब ये बेस और ये जो यहां पे जो है, ये दोनों आपस में कैंसिल होकर सिर्फ बी बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका ये b इक्वल टू लॉग ए एम। तो इसमें ये लॉगरिथम यूज करते समय छोटे मोटे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। जैसे मान लीजिए a का वैल्यू जीरो से बड़ा होना पड़ेगा ए लॉगरिथम लगाने से, m का वैल्यू जीरो से बड़ा होना पड़ेगा, और सेकंड ये जो a है ये वन नहीं हो सकता, मतलब जीरो से बड़ा। अब नंबर लाइन में जीरो से बड़ा मतलब क्या, जीरो से इस तरफ, तो यहां पे कहीं पे वन भी होगा, तो ये वन वैल्यू ये नहीं आएगा। इसके अलावा सब आ सकता है, मतलब जीरो से वन के बीच में भी आएगा और वन से फिर इंफिनिटी के बीच में, तो ये वैल्यू हम लोग का ले सकता है। तो उसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, 2³ = 8, मैंने दोनों तरफ लॉग बेस 2 लगा दिया, तो क्या होगा, ये पावर नीचे आ गया। जैसे मैंने यहां दिखाया था ये बी नीचे आ गया, वैसे ये 3 नीचे आ जाएगा और इस तरफ लॉग लग जाएगा जिसका बेस होगा 2, ये होगा, तो इसका वैल्यू होगा 3। तो ये है आपका बेसिक्स, मतलब हम लॉगरिथम कैसे समझते हैं, ये पावर्स एक्सपोनेंशियल का ओपोजिट वर्शन है या ओपोजिट फंक्शन है। तो ये फंक्शन लॉगरिथम एज ए फंक्शन मैं आपको किसी एक दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। आज मैं सिर्फ आपका जो वर्किंग पार्ट है, मतलब लॉगरिथम कैसे यूज होता है, उसके कैसे हम उसको डील करते हैं, तो बेसिकली मैं उसी में सिर्फ स्टिक रहूंगा आज। तो पीछे मैंने एक टेबल बनाया जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि लॉगरिथम के जो बेस है, जो बेसिक हम लोग कह सकते हैं, जो फ्रीक्वेंटली यूज बेस है, वो कौन कौन से है या जो हम लोगों को जरूरत है और उसके यूजेस कहां होते हैं। तो बेसिकली लॉग के बेस कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर बिटवीन 0 to infinity एक्सेप्ट 1, मतलब 1 को छोड़ के 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है बेस, लेकिन वो हम लोग पढ़ेंगे एज ए फंक्शन, जब बाद में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। बट इन दिस पर्टिकुलर केस जो हम लोग अपने जनरली कैलकुलेशन बेस मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, उसमें जो है उसमें बेस 3 बेसिस हम लोग ज्यादा यूज करते हैं हम लोग के जितने कैलकुलेशन है। तो 3 बेस कहां यूज करते हैं बताता हूं। एक है आपका बेस नंबर 1, बेस 2, अगर ये बेस 2 है उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी लॉगरिथम, और इसका यूज होता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में।
और इसका एक्सप्रेशन है लॉग बेस टू एम, एम का वैल्यू जीरो से बड़ा, वो हमेशा होना ही पड़ेगा। लॉग के अंदर में नेगेटिव नंबर या लॉग के अंदर में जीरो इज नॉट पॉसिबल, उसका वैल्यू अनडिफाइंड होता है या मिलता नहीं है, वो नहीं हो सकता है। तो लॉग के अंदर में हमेशा एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो जीरो से बड़ा हो, और बेस में ऐसा नंबर होना चाहिए जो जीरो से बड़ा हो, साथ में वो वन ना हो। तो बेस के बारे में थोड़ा सा एक और रेस्ट्रिक्शन एक्स्ट्रा है। उसके बाद में दूसरा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ई। इसको हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। अच्छा, ये ई क्या है? ये ई एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर आप लोगों को सबको पता है कि आफ्टर डेसिमल इट्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब डेसिमल के बाद में नंबर रिपीट भी नहीं करेगा एक जैसे, और खत्म भी नहीं होगा। तो इस ई का वैल्यू जो हम लोगों को बाद में मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, ये जो फर्स्ट है बेस टू, ये हम लोग यहां पे यूज नहीं करने वाले, हम लोग ये दोनों यूज करने वाले हैं। इसलिए इन दोनों के बारे में आप क्लियर कट जान लीजिए। ई एज एन इरेशनल नंबर, और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 2.718, ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और ये डॉट 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 मतलब इसका वैल्यू और आगे जा रहा है, और उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो इन्फिनिटी या चलता ही जा रहा है, तो हम लोग उसको लिख नहीं सकते, इसलिए मैंने उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखा है 2.718। और नॉर्मली कहीं कहीं किताबों में मिलेगा आपको E lies between 2 and 3, तो वो बेसिकली एक ही बात है। इसको कहते हैं हम नेचुरल लॉगरिथम, और ये ऐसा लॉगरिथम है जिसका यूजेस इन ऑल कैलकुलस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जितना भी कैलकुलस रिलेटेड प्रॉब्लम, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, या जहां पे भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का कैलकुलेशन होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लोग जो देखते हैं ना लॉगरिथम आता है, तो वो सब बेस ई होता है, और उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ln x। तो यहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि मैथमेटिक्स वाले और फिजिक्स केमिस्ट्री वाले आपस में दुश्मन है, तो इस वजह से क्या होता है कि हम लोग किसी चीज को जैसे एक्सप्रेस करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, उसको अपने ढंग से एक्सप्रेस करते हैं। तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, क्योंकि बाद में आप लोगों को फिजिक्स बुक में कुछ और लिखा हुआ मिलेगा, मैथ्स में कुछ और लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज ना हो। फिजिक्स केमिस्ट्री में नेचुरल लॉगरिथम को लोग लिखते हैं ln x, हम मैथ्स में लिखते हैं कभी कभी, लेकिन नॉर्मली आप लोग जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे log x, मतलब हम लोग यहां कुछ नहीं लिखते। जब कुछ नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब मैथ्स वालों के लिए वो बेस e है, ठीक है, और फिजिक्स वाले उसको लिखेंगे ln x। ln x मतलब नेचुरल लॉगरिथम, कोई नेचुरल एन बाद में लिखा हुआ है, एल एल लिखा हुआ है, तो एक एक्सप्रेशन है उसको डिनोट करने का, एल एन एक्स इज नेचुरल लॉगरिथम, तो बेस ई, ये नॉर्मली बेस ई होता है, लेकिन हम लोग बेस नहीं लिखते तब, अगर बेस ई होगा तो मैथ्स वाले उसमें सिर्फ लॉग लिख के रख देते। उसके बाद में आप लोगों के पास में एक बेस आएगा 10। अब ये 10 का काम क्या है, इसको हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। तो आप लोगों ने लॉगरिथम टेबल देखा हुआ है, तो लॉगरिथम टेबल में होता क्या है कि लॉगरिथम टेबल में जो वैल्यूज दिए हुए हैं वो सब बेस 10 के लिए होते हैं, वो बेस ई के लिए नहीं होते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में हम लोगों को चाहिए सब बेस ई, इसलिए बेस ई से बेस 10 में चेंज करने वाला एक फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया। तो वो चेंज करने वाला फॉर्मूला है, वो हम लोगों को पता होना चाहिए, और उसके बाद में इसका यूज होता है सिर्फ लॉगरिथमिक टेबल में, इसका कोई कैलकुलेशन यूज नहीं है। हम लोगों को अगर कुछ कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करना है, जैसे सिंप्लीफिकेशन करना है, कोई लंबा सा कैलकुलेशन है उसको सिंप्लीफाई करके छोटा बनाना है, तब हम लोग बेस 10 यूज करते हैं, ओनली फॉर लॉगरिथमिक टेबल एंड फॉर सिंप्लीफाइंग कैलकुलेशंस, सिंप्लीफाइंग कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंपली आई होना चाहिए था सिंप्लीफाइंग। अब इसमें भी मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री इन दोनों के बीच में थोड़ा सा एक्सप्रेशन में अंतर है। इन फिजिक्स केमिस्ट्री दे एक्सप्रेस एज लॉग एक्स, मतलब हम लोग जब लॉग एक्स लिखते हैं कुछ नहीं लिखते हैं बेस में, तो हमारे लिए बेस ई है,
लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर कुछ नहीं लिखा है तो बेस 10 है, तो ये दोनों आपका कंफ्यूज कर सकता है कभी कभी, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया। तो वो लोग कुछ नहीं लिखे तो बेस 10, और अगर LL लिखे तो बेस E, और हम लोग कुछ नहीं लिखे तो बेस E, और अगर बेस 10 हुआ तो हम लोग बेस 10 लिखते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है हम दोनों के एक्सप्रेशन में। उसके बाद में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कुछ फंडामेंटल फॉर्मूलाज लॉग के, उसके बाद में मैं आपको कैसे लॉग टेबल देखना है वो आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूला दिखाऊंगा, लॉगरिथम का फॉर्मूला, उसका बेस चाहे कुछ भी हो ये फॉर्मूला हमेशा एक ही रहेगा। तो मैं ये आप लोगों को दिखाता हूं, जैसे वेरी बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला, ये आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि बाद में जाके आपको इसका यूजेस भी जरूरत पड़ेगा। तो इसमें सबसे बेसिक फॉर्मूला है कि लॉग बेस ए, ए चाहे कुछ भी हो, ए पॉजिटिव होना चाहिए और वन नहीं होना चाहिए, बस। एम इंटू एन कैन बी रिटन एज लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन, ये फॉर्मूला है। जैसे एग्जाम्पल लॉग बेस 10 35 को 35 लिखा हुआ है, तो हम लोग 35 को लिखेंगे 5 इंटू 7, सो लॉग बेस 10 5 प्लस mn होने से बीच में हम लोग प्लस लाते हैं, तो ये 5 प्लस लॉग बेस 10 7, लॉग अलग अलग किया तो बीच में प्लस करना होगा। फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला लॉग m बाई एन इज इक्वल टू लॉग बेस a, इसका भी बेस a है m, माइनस लॉग बेस a n। तो यहां ये दोनों सबट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड में सबट्रैक्ट, सेम जो आपको लोगों को यहां दिखाया मैंने वो सेम प्रोसीजर है, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल दिया नहीं है। और ये बेस में रहने वाला हमेशा आप लिखिए कि जीरो से बड़ा और वन नहीं होना चाहिए, और बाकी जो आपके अंदर में आ रहा है वैल्यू लॉग के अंदर में, जैसे m n m n, दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। जब भी आप लोग ऐसे लिखे फॉर्मूला हिसाब से तब ये कंडीशन सामने रख दीजिए। नेक्स्ट इज लॉग ए एम टू द पावर एन इज इक्वल टू, ये पावर जो है वो आगे आ जाएगा, एन एन आगे आ गया, लॉग ए एम ये फॉर्मूला है, वो एक कंडीशन मैंने यहां लिखा हुआ है, मतलब लॉग 10 5 क्यूब है, तो ये 3 को हम लोग आगे लेके आ गए, 3 लॉग 10 5, तो ये हम लोग को यूज करना है। जब भी हम आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री में जब भी आपको कैलकुलेशन करने होंगे तो आपको ये सब फॉर्मूला यूज ही करनी है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि बाद में जाके जब मैं आपको समझाऊं तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट लॉग बेस ए ए, अगर ये दोनों सेम इट्स वैल्यू इज वन, ये हर फॉर्मूला के लिए, जैसे मान लो लॉग 10 10 अगर ये दोनों सेम है, आप डायग 1 लिखिए उसका और कोई दूसरा वैल्यू नहीं, डायग 1, उसको टेबल देखने का भी जरूरत नहीं है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, वो हमेशा 1 होगा। और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। सो चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला में, सो लॉग ए टू बी, सो इफ यू वॉन्ट टू गो फ्रॉम ए टू बी यू कैन गो फ्रॉम ए टू सी इंटू सी टू बी, मतलब ये चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला यू कैन रिमेंबर इन दिस मैनर, आप लोग याद रख सकते हैं ऐसे। तो इसमें ये सब जो बेस में लिखा हुआ है वो वन नहीं होगा बोल के मैंने लिखा है, और ये जो अंदर है वो सभी जीरो से बड़ा है, और ये ए भी जीरो से बड़ा है, तो वो कंडीशन सामने लिखा है। तो इसका यूज कहां है, इसका यूज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूज, आप लोग हमेशा उसको यूज कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं था वो यूज कहां हो रहा है। आई विल शो यू एल एन एक्स, इफ यू रिमेंबर फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लोग एल एन एक्स का मतलब है लॉग बेस ई एक्स, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को डिस्कस करके बताया था, तो बेस ई एक्स। लेकिन जो टेबल हम लोगों के पास में है वो टेबल में हम लोग सिर्फ बेस 10 का निकाल सकते हैं, बेस ई के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई टेबल नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग। सो हम लोग क्या करते हैं, चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम लोग करते हैं ई से एक्स डायरेक्ट नहीं जाके लिखते हैं, ई टू 10 देन 10 टू एक्स। अब 10 टू एक्स ये पार्ट जो है वो हम लोग टेबल में देखते हैं, बट ये जो बेस ई टू 10 है इसका वैल्यू आपको पता है कितना है, इसका वैल्यू है 2.303।
इसलिए आप लोग ने ये हमेशा किया होगा कि ln x निकालने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करके log बेस 10 टेबल देखना है. एंड दिस इज द रीजन ये चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है. मैं आप लोगों को दो और नया फॉर्मूला दे रहा हूं. ये एक्चुअली ये फॉर्मूला चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला से डिराइव किया हुआ है. कैसे डिराइव किया है वो मैं डिस्कशन में नहीं ला रहा हूं, वो हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे. तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर log a b मुझे अगर इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज करना है तो मुझे 1 बाय log लिखने से इनका पोजीशन चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास कहीं पे है log x e, तो इसको मैं ले सकता हूं 1 बाय log बेस में e लेके x को इसका जगह चेंज कर सकता. यह है इसका नंबर 6 का एप्लीकेशन. और दूसरा है कि log a टू b, a टू b का फॉर्म वैल्यू मेरे को निकालना है तो मैं कह सकता हूं log कोई भी जिसका बेस हमें लेके यूज करने में आसानी हो वो हम लोग देख सकते हैं m. ये b ऊपर है तो ये b ऊपर आएगा, m a नीचे आएगा. तो सेम अगर हम लोग उसका बेस बनाना चाहें तो हम लोग ये ए वाला नीचे लिखेंगे, बी वाला ऊपर लिखेंगे. तो ये एक फॉर्मूला है. तो ये आप अगर इसको यहां मल्टीप्लाई करके चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा राइट हैंड साइड. वो मैं नहीं दिखा रहा हूं, आप देख लीजिएगा. उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं या टेबल देखते हैं. ओके, आई शो यू वन एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. आप लोगों को समझ में आए वैसा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक दिखा रहा हूं. तो मैं दिखा रहा हूं आपको log 1.836 का वैल्यू निकालना. तो एक बात आप हमेशा याद रखिए कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक प्लेस होना चाहिए, तब हम यहां यूज करते हैं 0. डेसिमल से पहले आपका कितना नंबर है आप देखिए कितना प्लेस है. तो डेसिमल से पहले अगर 1 है तो यहां आपको 0 लिखना है. उसके बाद में आपका ये है आपको टेबल रेफर करना है. तो मैं आपको इस तरफ एक टेबल दिखाऊंगा जिसमें आपको देखना होगा 18. उसके बाद में 18 वाले रो में ही आप आगे जाके देख रहे होंगे एक 3 है. और उसके बाद में आप लोगों का एक और मेन डिफरेंस दिखाई दे रहा है, उसमें आप सेम लाइन में जिसमें 18 में आप जा रहे हैं उसी में सेम लाइन में आपको एक दिखाई दे रहा होगा 6. तो उसका वैल्यू कितना है? तो आपका 18 का 3 में आपको लिखा हुआ है 2625 और उसी लाइन में आप आगे जाएंगे मेन डिफरेंस में आपको 6 दिखाई दे रहा है और 6 में आपका लिखा हुआ है 14. तो आप इस दोनों को एड कीजिए दोनों वैल्यू. तो आपको मिला 5 + 4 = 9, 3 = 6, 2, 2639. तो ये आपका 2639, ये आपका log 1.836 का वैल्यू है. इसके बाद में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और दूसरे तरीके के नंबर्स अगर होंगे तो हम लोग कैसे करेंगे. एक मान लीजिए एक ऐसा नंबर है जहां पे डेसिमल के आगे कोई भी प्लेस नहीं है, तब वैसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे. तो आई शो यू विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल. तो अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा रहा हूं, वो एग्जांपल है 183.6. तो आप देखिए डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, कितने प्लेस है, 1, 2, 3. जितना प्लेस होगा उससे आप -1 कर दीजिए, 3 - 1 मिल गया आपका 2. आप लिखिए 2 पॉइंट लिखने के बाद में आप वही प्रोसीजर यूज कीजिए 18 का, फिर 3 में जाइए और आपको मिलेगा, में जाएंगे तो आप मिलेगा आपका 2625 जो पहले मिला था. उसके बाद में 14 प्लस किया था हम लोगों ने, जो हम लोगों को मेन डिफरेंस में मिला था 6 में सेम रो में. तो ये 9, 3, 6, सो 2639.
तो इसका मतलब जब टेबल देखते हैं तब हम लोग डेसिमल से पहले वाले बाद वाले सभी नंबर को मिला के देखते हैं। 18 का 3 उसके बाद में 6 देखना है, और डेसिमल से यहां जो आंसर होगा उसका डेसिमल से पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यहां पे जितना प्लेस होगा उससे माइनस 1। तो यहां डेसिमल से पहले 1 था तो 1 माइनस 1 0, इसलिए हमने यहां 0 लिखा। उसके बाद में एक और मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, और आपको ये मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि इसका आंसर कितना होगा। 18.36 ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि इसका वैल्यू कितना है। 18.36 आपको उसके लिए लॉग टेबल देखने का जरूरत नहीं है, अगर आपको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, कोई भी एक वैल्यू पता होने से इसका वैल्यू हम लोग सेम उसी सिस्टम से निकाल सकते हैं। तो ये आप लोग निकालिए। उसके बाद में मैं आप लोगों को दिखाता हूं कुछ और तरीके के क्वेश्चंस। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी टेबल देखना है हमेशा बेस 10 होना चाहिए। जैसे इसे पहले वाले एग्जांपल में मैंने बेस लिखा नहीं है, और टेबल अगर हम लोग जा रहे हैं तो इसका मतलब वो बेस 10 था। अब बेस 10 2, अब 2 होने से क्या करेंगे, क्योंकि आप लॉग टेबल में देखेंगे तो पहला नंबर आपका 2 डिजिट नंबर है। अगर वो 4 प्लेस लॉगरिथमिक टेबल है तो वो मैं आपको बताऊंगा 4 प्लेस 5 प्लेस में क्या है। तो ये अगर 4 प्लस लॉगरिथमिक टेबल है तब क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहां 2 है तो आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लिखिए लॉग बेस 10 2.000। टोटल आप 4 डिजिट बना दीजिए। टोटल 4 डिजिट बनाने के बाद में आप देखिए डेसिमल से पहले आपका कितना डिजिट है, डिजिट नंबर नहीं, नंबर तो 2 है, डिजिट प्लेस कितना है 1, तो 1 है, 1 माइनस 1 आपको मिलेगा 0, आप लिखिए 0 पॉइंट। उसके बाद आप 20 का 0 का 0 देखिए, 20 का 0, तो 20 का 0 है आपका, तो 20 का 0 जो है वो आपका है 3010। टेबल में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 2.0, तो 2.0 एक्चुअली वही है, वो 20 का 0 ही है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अभी लॉग 0.01836 अब इसमें क्या होगा, डेसिमल के ये डेसिमल जो है ये डेसिमल आपका हो गया। तो आप देखिए तो यहां पे आपका डेसिमल से इस पोजीशन में मतलब यहां तक आने के लिए आपको कितना पोजीशन आना पड़ेगा, 2, लेकिन उल्टा साइड में, तो आप लिखिए 2 बार डॉट, ये बार दीजिए, ये बार और माइनस में एक डिफरेंस है, ये बार माइनस नहीं है, लेकिन आप उसको ऐसे लिखिए 2 बार। अब बाद में हम उसको इस तरह से यूज करेंगे, आप उसको सोचिए ये माइनस 2 के जैसा काम कर रहा है, 2 बार। और इसके बाद में आप 18 का 3 का 6 देखिए, जो हम लोगों ने फर्स्ट एग्जांपल में निकाल के रखा था, और वो था आप लोगों का 2639। सो आप उसको 2 बार में रखिए, अगर किसी और को थोड़ा सा डाउट है तो ये एक्चुअली ऐसा रखा है माइनस 2 प्लस 0.2639, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1.7 7361, इसको हम लिख सकते हैं -1.7, लेकिन आप उसे माइनस में मत रखिए, फिर उसका एंटी लॉग निकालते समय फिर आपको उसको बार में चेंज करना है, तो आप उसको बार में रखिए। तो अगर ऐसा एग्जांपल है तो आप ऐसे कीजिए। अब दूसरा बात जो मैं आप लोगों को बताने वाला था, सेकेंड थिंग, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अगर 5 डिजिट नंबर होगा तो क्या करना है। तो 5 डिजिट नंबर में ये आपका लॉग 10, तो डेसिमल से आगे कितना पोजीशन है, 1 2 3, सो 3 पोजीशन है, सो 3 माइनस 1 ये मिल जाएगा आपका 2, सो मुझे लिखना है 2 पॉइंट। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 5 3 2 7 5, हम लोग 53 का 2 देखेंगे, फिर मीन डिफरेंस
मेन डिफरेंस हम लोग देखेंगे। तो ये आपको मिला के वैल्यू मिलेगा 7265। अब प्रॉब्लम है कि ये लास्ट वाला डिजिट हम लोग चेक नहीं कर पाए, ये लास्ट वाला डिजिट हमारे पास में नहीं है, टेबल नहीं है। तो इसका तो दो तरीका है, अगर आपके पास में फोर प्लेस लॉगरिथमिक टेबल है तो ये लास्ट वाले को आपको इग्नोर करना है मेथड वर्क, अदरवाइज एक दूसरा है वो है फाइव जो आपका डिजिट का फाइव प्लेस लॉगरिथमिक टेबल एक मिलता है। तो उसमें क्या होता है, इसमें जैसे आपने देखा होगा ये लॉगरिथमिक टेबल में, यहां पर हमने देखा 1.0, 1.1, 1.2, आपको लास्ट वाला मिलेगा 9.9। लेकिन वहां पे आप लोगों को ऐसा नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा जो ये फोर प्लेस के लिए, फाइव प्लेस आपका होगा 1.01, 1.02, इस तरीके का एक टेबल होगा। और ये वाला टेबल जो होगा उसमें आप फाइव डिजिट दे सकते हैं, इसमें आप नहीं दे सकते हैं। इस तो टेबल आपके पास में अगर ये है तो आप फर्स्ट फोर डिजिट चेक कीजिए, लास्ट वाला डिजिट को आप छोड़ दीजिए, वो आपको चेक करने का जरूरत नहीं है। तो ये हो गया मेरा लॉगरिथम का एग्जांपल। इसके अलावा एक और चीज मेरे को दिखाना है, वो मैं पार्ट टू में दिखाऊंगा, वो है एंटी लॉगरिथम। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं नेक्स्ट जो वीडियो एक सीरीज बनाने वाला हूँ वो है आपका बेसिक्स ऑफ JEE, और इसमें आपको मैं नई नई चीजें सिखाऊंगा, मैथमेटिक्स से कुछ ऐसे टूल्स दूंगा, ऐसे कुछ मेथड दिखाऊंगा, कुछ फॉर्मूला दूंगा जो बाद में जाके मैथमेटिक्स में आपको बहुत हेल्प करेगा, इवन इन योर क्लास एंड 12। थैंक यू वेरी मच।